एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के एग्जाम्स 5 से 28 फरवरी और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स 6 फरवरी से 5 मार्च तक हुए थे। इस वर्ष की हायर सेकेंडरी की परीक्षा में कुल 7,35,056 बच्चे एमपी हुए थे और इसी प्रकार से हाई स्कूल की परीक्षा में 9,72,322 बच्चे अपील हुए थे। जो परीक्षा का परिणाम है वो हायर सेकेंडरी में 64.49 64.49% बच्चों अपील हुए हैं। इसी प्रकार से हाई स्कूल में जो नियमित बच्चे हैं वो 58.10 बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल लेवल यानी 10वीं क्लास में अनुष्का अग्रवाल ने टॉप किया है। अनुष्का ने 500 में से 495 मार्क्स हासिल किए हैं। सराहनीय खबर ये है कि मैथ्स और साइंस में अनुष्का ने फुल मार्क्स यानी 100 में से 100 नंबर स्कोर किए हैं। दूसरे स्थान पर रेखा रेबारी, इशिमता तोमर और स्नेहा पटेल हैं। तीनों ने ही 500 में से 493 मार्क्स हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर सौरभ हैं, जिन्होंने 500 में से 492 मार्क्स स्कोर किए हैं। वहीं एमपी बोर्ड के 12वीं में शाजापुर के जयंत यादव ने पहला स्थान हासिल किया है। जयंत ने 500 में से 487 अंक हासिल किए हैं, जबकि दूसरा स्थान कुलदीप मेवाड़ा का है, जिन्होंने 486 मार्क्स स्कोर किए हैं। तीसरे पोजीशन पर निशा भारती हैं, निशा ने 484 मार्क्स हासिल किए हैं। जो हमारे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले हैं, हायर सेकेंडरी में नरसिंहपुर, नीमच और इंदौर, इनमें परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार से हाई स्कूल में नरसिंहपुर, अभिराजपुर और बालाघाट, इन जिलों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहा है। कुल 295 बच्चों का हायर सेकेंडरी में और 237 बच्चों का हाई स्कूल में विभिन्न कारणों से परीक्षा परिणाम रखा गया है। इस प्रकार से आज आपके समक्ष ये परिणाम घोषित किया गया है। पिछले साल के मुकाबले 12वीं में रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है और 10वीं में कुछ कम था, इसके कारणों का अभी मैंने बताया, हम एनालिसिस करेंगे और फिर जो भी जरूरी उसके लिए कदम होंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डिजी लॉकर ऐप को फोन में डाउनलोड करना होगा। वहीं छात्र एमपी बोर्ड की वेबसाइट www.mpresults.nic.in और www.mpbse.mponline.gov.in पर भी ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर सकते हैं।